राम की नजर सीता जी के ऊपर पड़ी। मेरे भगवत श्रोताओं, अब इधर मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव वर्णन करते हैं राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। एक दूसरे ने जब एक दूसरे को देखा कि देखी राम छवि सियमति अटकी और सिय छवि देखी राम मति भटकी। सीता राम को निहारती है, राम ने सीता को देखा, राम सियागति ऐसी होई चोर की नारी जैसे प्रकटन रोई। सीता राम को निहार के बोली कि हे भगवान, अगर शादी हो तो इन्हीं के साथ। भगवान श्री राम भी विचार कर रहे हैं कि अगर शादी हो तो सीता के साथ। मेरे भगवान श्रोताओं, अब सीता वहां से चली है मैया गिरजा के मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद में सीता सहेलियों को साथ लेके चली जाती है और इधर भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास में आए और विश्वामित्र से एक बात कही। गुरुदेव, लाल साबिसेगी कहे जनकपुर हम नहीं देखी कर जवाब दिया है। गुरुदेव, जनकपुरी के लिए हमारा जो छोटा भाई लक्ष्मण है हमसे कह रहा था कि हमने जनकपुरी नहीं देखी है। अब इच्छा तो है राम की, लेकिन लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया और रामायण में जगह जगह मर्यादा है। अब लक्ष्मण सोचने लगे कि मैंने तो भैया से कहा नहीं, लेकिन राम के सामने लक्ष्मण बोल नहीं सकते। विश्वामित्र राम के हृदय की भावना समझ जाते हैं तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके वहीं पहुंचे हैं
जहां पर महाराज जनक की रंगभूमि में हजारों राजा महाराजा बैठे थे, धनुष रखा हुआ है, बारी बारी से बड़े बड़े बलवान राजा अपना पौरुष दिखा रहे हैं, लेकिन धनुष किसी से हिलता भी नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी, अरे भूप से श्रतस एक ही मारा, एक ही मारा, भूप से श्रतस एक ही मारा, एक ही मारा, एक ही बारा और लगे उठावन तरहे नटारा, यानी एक सहस्त्र एक हजार का होता है, लेकिन दस शब्द लग गया, भूप सहस्त्र दस, यानी दस हजार राजा एक ही बार धनुष पे जुट गए, लेकिन धनुष किसी से हिला भी नहीं, तो वो धनुष कितना लंबा होगा, क्योंकि 10,000 राजा के 20,000 हाथ तो ही गए, और वो धनुष कितना भारी होगा, और धनुष अगर अक्षमा तो टूट जाता तो सीता किन किन के गले में जयमाला डालती, लेकिन भूप सहस्त्र दस एक ही बारह, इसके कई अर्थ हैं। प्रमाण मिला कि 10,000 राजा उस धनुष पर अपना पौरुष अजमा चुके थे, लेकिन एक राजा को धनुष तोड़ने के लिए एक ही बारा यानी एक बार ही अवसर प्राप्त हुआ, एक बार। महाराज जनक ने जब देखा है कि धनुष किसी से नहीं हिल रहा, और सीता जी जयमाला लेकर खड़ी हैं, तो महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे देश देश से आए हुए राजाओं, तुम्हें देख के शर्म की वजह से हमारा सर झुक गया, अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, सीता जी के विवाह की आज छोड़ दीजिए, अपने अपने घर के लिए चले जाओ, चले जाओ। ये अश्विनी यादव जो परीक्षित जी के सुपुत्र हैं, ये एक से एक रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, जो इसी ग्राम दुर्गपुरा के रहने वाले हैं, भगवान सदैव घर में
सुख शांति बनाए रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। महाराज जनक कहने लगे हैं, आए हुए राजाओं, अब हमें मालूम पड़ गया क्या, अब समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, से आए हुए राजाओं सीता के विवाह की आस छोड़ दीजिए, अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारी बेटी कुंवारी रहेगी, इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है। सीता जी ने जैसे ही ये बात सुनी, सीता जी मन ही मन में विचार कर रही हैं, प्रकटन पिता का देख सिया मन ही मन में घबराती है, हाथ में लिए हुए देवी देवता मनाती है, प्रण कठिन पिता का देख सिया, देवी देवता मनाने लगी सीता। और ये श्री बलबीर सिंह यादव जो ये नगला दलीप बेबर के रहने वाले हैं, एक से एक रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, 20-20 रुपए हमारे समस्त साथियों को और 10-10 रुपए कलश भरने वाली कन्याओं को सम्मान करेंगे। तो कलश भरने वाली कन्याएं मंच के पास में आ जाए, कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं मंच के पास में निकल गया। मेरे भगवत श्रोताओं, लक्ष्मण ने जैसे ये बात सुनी तो लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे, क्या कह रहे हो जनक, पृथ्वी पे कोई बहादुर नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे, जनक लक्ष्मण महाराज जनक से कहने लगे कि जनक तुम हमसे कह रहे हो कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि युग कैसा है ये महाघात, उन पुरुषों में तासीर नहीं, क्या कहा जनक फिर से कहियो, क्या कहा जनक फिर से कहियो, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, जनक राज
आपने जो हमसे कहा कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं सूरज चांद को निगल जाए भयम को खाक में लाडा दे ये 200 रुपए नेम से 200 रुपए नेम सिंह और सौरभ की तरफ से। अच्छा, ये 200 रुपए भिजवा रहे हैं। भैया जी चार आलू का अगले भिजवाए थे जेव लिखे थे जाम में। और लिख रहे हैं भाभी छल्लेदार। रात जो गाना है तो रहो तो साथ, हमने सुना था शायद वो आई थी, क्या नाम, संगीता शास्त्री जी आई थी रात। तो रात फरमाए से भाई मेरे भगवत श्रोताओं, लक्ष्मण जी ने कहा अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो क्या ब्रह्मांड को खाड़ लूंगा, पटक के फोड़ डालूंगा। लक्ष्मण ने कितनी बड़ी बात कह दी कि ब्रह्मांड को खाड़ लेंगे, पटक कर फोड़ देंगे। लेकिन लक्ष्मण अगर ब्रह्मांड को खाड़ लेते तो खड़े कहां होते, पटक कर फोड़ने की जगह कहां थी। लेकिन लक्ष्मण ने जो कहा था वो काम आज तक हो न सका, वो कर आप भरपूर कर। भगवान श्री राम से कहा है भगवान श्री राम धनुष के पास में पहुंचे, अब फिर पता नहीं कब छुपा धनुष, आवाज आई नित कानों में, भूमि पे ठूक दे ठूक गिरे, से भगवान श्री राम से जब कहा है तो भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, पलक मात्र में धनुष तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जनक नंदिनी सीता जी जो जयमाल लेकर खड़ी थी, सखियों ने कहा है अब क्या देख रही हो, भगवान राम के गले में जयमाल डाल दीजिए। अब सीता जयमाल लेकर रंग भूमि में आगे के लिए बढ़ी। इधर तो सीता आगे बढ़ी है, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी।
रंग भूमि में जैसे सीता जी ने कदम रखा तो सीता जी की सुंदरता को देखकर नर नारी मोहित हो गए। और वही गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं एक जगह, इधर लिख रहे हैं कि स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं हो सकती है, लेकिन सीता जी को देखे सभी नर नारी मोहित क्यों हुए। रंग भूमि में जब सीय पगुधारी, यानी पगुधारी सीता जी से नहीं श्री राम से पगुधारी कहा गया। जब से नारी अहिल्या तारी और तब ही से कही तेरे पगुधारी, भृगु ने लात जब छाती में मारी और तब ही से नाम पड़ो पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। पगुधारी श्री राम जैसे रंगभूमि में कदम रखते हैं सभी नर नारी मोहित हो जाते हैं। सहेलियों ने कहा है सीता जी प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दीजिए। सीता जी राम के गले में जयमाल डालती हैं, लेकिन सीता जी की अवस्था लगभग 7 वर्ष की है और राम की उम्र पूरे 15 साल के हो गए। राम वर्ष पंचदश के भगवाना और विवाह भयो है कृपा निधाना। पंचदश यानी 15 वर्ष। सखियाओं ने कहा श्री राम से, राम आप बड़े हैं मेरी सहेली छोटी है। क्या झुकी गया तन कर रघुवीर लली मेरी बारी है। झुकी गया कहा गया है आप झुक जाओ तो भगवान श्री राम झुकने के लिए जैसे झुके लक्ष्मण दीवार बन गए। लक्ष्मण कहने लगे भैया भाभी के सामने और वो भी ससुराल में झुक रहे हो, अगर पहली बार अगर झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। झुकना नहीं राम मेरे भैया, झुकना नहीं राम मेरे भैया, हम कर जोड़े पड़े तेरे पैया, हम कर जोड़े पड़े तेरे पैया। मैं झुकना पड़े अकीर लली मैं पारी है, मैं झुकना झुक रहे थे लेकिन लक्ष्मण दीवार बन गए। और लक्ष्मण बोले भैया ससुराल में भाभी के सामने अगर पहली बार झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। कि माया भक्तपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते,
लक्ष्मण का जन्म हवन की खीर से हुआ था। अब लक्ष्मण ने जैसे सुना जवाब दिया, भैया राम सुन रहे हो? जनकपुर की सुकुमारियों के कुपर और सुन ले। सुकुमारियां कहने लगी, ऐसे हमको कहां देख रहे? तुम्हारे तो बाप को बताना है। तुम बिना बाप के आए हो रंग बरसे, पता नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, भैया राम बस यही तो बाकी था, ये और सुन ले। राम कहने लगे, तुम्हें अच्छो लगे सो तुम कहो। अब लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे, सुकुमारियां तुम सत्य कह रहे हो, हमारी अयोध्या में खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारी इस जनकपुरी में कितने अच्छे काम होते हैं हम बताएं। कि जोर कर होती और ना शोर कर होती, औजा जनकपुरी में लड़की धरती पर के हो, समझाएगी जवाब दो है कि जो जनकपुरी में अगर काउ को लड़के न की आवश्यकता हो तो खाएबे की जरूरत ना है, गांव से बाहर खेतन में निकल जाओ और खेत में हल चलाने लगो, खेतन में से लड़की नहीं खोदो, दलिया में भरो, आंगन में पटक दो। लक्ष्मण ने नौना पर तहला मार दिया, क्योंकि सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी का जन्म हुआ था पृथ्वी से, ऐसा ही नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, सुकुमारियां आप हमसे कहती थी कि हमारा कोई पिता नहीं है, तो मेरी मां तो है जिस मां ने हमें 9 महीने तक उदर में रखा, 9 महीने तक मेरी मां ने हमें उदर में रखा, लेकिन तुम्हारा नाय प्यारो बाप नाय महातारी। समझाए के बोले, नाय प्यारो बाप नाय महातारी, कहे लखन बलकारी, रंग बरसे गो रंग बरसे। रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और ऊपर से कस्तूरी राम, रंग पर से गो रंग पर। लक्ष्मण ने नौला पर देहला मार दिया। ये मनमोहन जी की तरफ से 101 रुपए हमारे पास आए हैं, जो सर्वेश जी के सुपुत्र हैं उनकी तरफ से। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे। अब इस तरह से विवाद चला रहा, सुनेना मैया आई है। सुनेना ने कहा, लक्ष्मण ये बता, हमारी बेटी जयमाला लेकर ऐसी खड़ी रहेगी? लक्ष्मण ने कहा, मां सीता भाभी को मेरे पास भेजो, अभी हम जयमाला डलवाते हैं। सीता जी को बुलाया अपने पास में, और लक्ष्मण ने कहा, भाभी जी भैया राम ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन मैंने चरण बंधन नहीं कर पाए, हम भैया राम के चरणों पर लेट जाएंगे,
और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक राम हमें झुक के नहीं उठाएंगे। और जैसे राम झुके और वैसी तुम जयमाला डाल देना। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, पैरों पर लेट गए। राम ने जैसे लक्ष्मण को झुक के उठाया, सीता को मौका मिल गया, गले में जयमाला डाल दी, बोले घनश्याम रामचंद्र की। इस तरह से जयमाला डली। उसके बाद में सीता के विवाह की तैयारियां शुरू भई। ये खेत लगन कहां से चली है? सीता के विवाह से। जो खेत लगन दी जाती बेटी की शादी में, ये सीता के विवाह से चली। क्योंकि पहले सीता की कोई तिथि तो निश्चित थी नहीं, क्योंकि जब धनुष टूट जाएगा तभी शादी निश्चित थी। तो जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही शादी होने की तैयारी शुरू हुई। तो खेत लगन दी गई वहीं पर। बेटी की शादी में जो खेत लगन दी जाती है, ये सीता के विवाह से चली। भाइयों, बेटी की शादी में जो धन बाबा चलता है, धन बाबा ये कहां से चला है? सीता के विवाह से। धान क्यों बह जाता है बेटी की शादी में? धान क्यों बह जाते हैं? क्योंकि बेटी होती है धान सूचक और लड़का होता है गेहूं सूचक। धान की पौध एक खेत में उगाई जाती है और बांस उखाड़ के दूसरे खेत में रोपाई की जाती है। उसी तरह से बेटी एक परिवार में पलती है और बांस उखड़ के दूसरा उसका घर बसता है। तो ये धन बाबा सीता के विवाह से चला। बारात आ गई, कुमार कलेवा के लिए बुलाया गया। छज्जे पर कुछ सखियां बैठी हैं, श्री राम को जो गाली देने लगी, जो ज्योनारे चलती हैं आजकल विवाह शादी में। आजकल तो मालूम ना जब माता बहने कहां तो सीख सीख के आती हैं, सारे संबंधी तेईसी बराए तो घूरे पिटर। सीता के विवाह में कौन सी गारी गाई गई? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुमार कलेवा कर रहे थे, ऊपर सखियां बैठी हैं। तो एक सखी बोली, ओरी बहन, लक्ष्मण से तो बहुत कुछ कह लिया, पेट भर गया। लेकिन राम का विवाह सीता के साथ हो गया, लेकिन सारे विवाह में राम बोले ही ना। एक लड़की कहां लगी तो सहुरी ना आए हैं बुलवाए को, हमें ऐसी कहे ऐसी कहे, सुने बोलते ही बने। दूसरी बोली, फिर कहे के मोन टकाए बैठी है, फिर कह लेना, फिर कहा मोह भरेगी। तो एक लड़की राम से बोली, मेरे भगवान श्रोताओं, एक लड़की बोली है राम से कि धनुष बाले ओ मुकट बाले। ए राम ओ तेरे तीनों भैया गोरे, राम काए कारे, तीनों भैया गोरे, राम काए कारे। सुकुमारियां कह लगी, जब बता राम तुम्हारे तीन भैया तो गोरे गोरे। लला जंडी काय के लिए परेशान करे, हम खोल के दे देंगे, ब्याह ले जाइए। जवाब दो सुकुमारियन ने, तुम्हारे तीन भैया गोरे हैं लेकिन तुम काय को कह रहे हो? अब राम तो मंद मंद मुस्कराने लगे, लक्ष्मण को चैन नहीं पड़े। अब लक्ष्मण राम की तरफ देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं जवाब दो, मुंह से नहीं बोल रहे, इशारा कर रहे हैं जवाब दो। अब राम कुछ नहीं कह रहे, हंस रहे हैं। लक्ष्मण को और गुस्सा बढ़ गई, तो लक्ष्मण बोले, अगर तुम न जवाब दो तो
मैं जवाब दे दूं, लक्ष्मण ने राम ने भी ये सारा कर दिया, दे दो। बोले नहीं लेकिन आंखों आंखों में सारा हो गया। अब लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले सुकुमारियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अगर छोटे भाई दे दे तो बड़ों को बोलने की आवश्यकता क्या। अरे लक्ष्मण जी तब बोलन लागे सुनो जनकपुर वाले। लक्ष्मण जी तब बोलन लागे सुनो जनकपुर वाले। रामचंद्र को सीता भी आई, अब ही तीन बचे हैं कुमारे ताई से कारे, ताई से कारे, ताई से कारे, ताई से कारे। जवाब तो है भैया राम को ब्याह सीता के संग होएगा, उस वे करिया पड़ गए। अब हम तीन गोरे हैं, अगर हम तीनों के ब्याह हो जाए तो हम चारों भाई एक समान हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। जनक हंसने लगे, दशरथ भी हंसने लगे, वशिष्ठ विश्वामित्र सभी हंसने लगे। भाइयों हुआ यहां तक, जनक की एक छोटी बेटी थी उर्मिला, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करवा दिया। जनक के एक भैया थे कुशध्वज, उनकी दो बेटियां थी मांडवी श्रुतकीर्ति, मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुधन के साथ करवाया। इस तरह से एक महीने तक बारात रुकी, उसके बाद महाराज जनक ने सीता की विदाई की है और सीता जी को कुछ उपदेश भी दिए हैं महाराज जनक ने। मेरे भक्त श्रोताओं, इस तरह से चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। विवाह होने के बाद में बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाती है। कल के बारे में हम आप लोगों को बताते चले आज। अरे रावण बढ़ गयो गढ़ लंका में, तो महुवे में बड़े राजा परमार। और उनके लंका थी सोने की, तो उनके कमी माल की ना। जनक दुलारी तो उन्होंने हरी की बिलम देना। और सौरभ गौरव की अपरनी है के ग्राम जमथरी के सरदार। सिंह जी नैया खे लगाए दई पार। ए तुमने मान हमारो राखो, तुम्हारी पतरा खे करतार। रहो तलवार और कुमर कन्हैया जसुदा छैया नैया के लगे हैं पार।